एक बेनती है सर, चार साल इस पिंड दे विच मैं मुंडिया दे मगर भजदी रही नशे वालों दे। ए सर भी आए सी, करमजीत सिंह SHO साहब भी आए सी, सेमिनार लगते रहे जिदा खमियाजा ये भुगतना पिया कि ये नशे वाले मुंडे चोरियां करन लग गए, सारा कुछ होया। मैं ओ राह रोके मैं कल्ली कुड़ी ने साडे जाके मंडी दे विच वेखो, साडी मंडी दे विच जा के इत्थों ले जाके चिट्टा टीके लाउंदे रहे। मैं जाके मंडी दे विच रोकिया, कल्ली कुड़ी ने इत्थे अड्डे ते रोकदी रही, पर मेरा किसी ने संजोग नहीं दिता। अज जिन्नी भी पब्लिक आई आ, अज मैनूं सारी पब्लिक दे विच्चों कोई एक भी बंदा हथ खड़ा करके दसो वी जिस दिन मैं नशे दे खिलाफ डरदी सी मेरे घर वाला भी एक नशे नाल मरिया सी, जिस दिन मैं नशे दे खिलाफ इन्हां पिंडां दे विच रौला पाया दुबाई पाई, उस दिन मेरे नाल चार बंदे भी रल के नहीं सी तुरे। ते मैं एक गल सोची सी, मैं कहा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच एक गल लिखी गई है कि कौर नाना औरत नूं बख्शिया गया, ते मैं कल्ली शेर नहीं आ, मैं हटा के विखाऊं। मेरे पिंड दे विच जाके वेख लो, मेरे घर तों लै के उस पिंड तक ते मेरी मंडी तक अज तक कोई नौजवान आके खड़ जाए, मैनूं इस पिंड दा बेहद अफसोस है, क्योंकि इस पिंड दे विच मेरी दुकान रह चुकी सी जो कि निछेड़ियां ने भन्नी, अज तक निछेड़गियां नहीं मिल सके। ट्रांसफार्म इस पिंड दे लाए गए, गुरु घर दियां गोलकां भन्नियां गईयां, जदों कि इह बंदा साडे पहलां तों चोर सी, इन्हां नूं किसे पुलिस मुलाजम ने आके नहीं फड़िया, किसे ने आण के कोई उत्ता नहीं बचिया, किसे ने उत्ता नहीं बचिया। मैं जाके सदर थाने च भी कहिंदी रही, फिरोजपुर जाके मैं डी SSP दे जाके किया, SPD नूं जाके किया, मैं उत्थे इन्ना के जाके कहा अज भी साडी इक मंग आ, क्योंकि इह जिहड़ा फुल अज टाहणी नालों टुट गया इहने कदे वापस आपदे मां प्यो दी बुक्कल च नहीं आउणा। साडी हथ बन के बेनती है भी जेड़ी आग आ जिस घर च सर मच पी आ, किसी होर घर दे विच ना मचन, रब दा वास्ता कोई हल कर दो जी, चलो साडे घरां नूं हरदासी दा वी हल कर दो, साडी आउण वाली पीढ़ी नूं बचा लो, असीं पिछली दी गल करदे ही नहीं, तुसीं पैरां दी गल कोई पर पैरां जो साडियां गल्लां ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਕਹਿਲੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਣਕਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਘਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਘਰ ਇਸੇ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵਾਜਿਆ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਾਨ ਫੜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਖੜਿਆ। पंजाब में नशे के कारण हो रही मौतों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस नए नए दावे करते नहीं थक रहे, लेकिन सरकार द्वारा नशे पे लगाम लगाने के लिए किए जा रहे प्रयास बिल्कुल विफल होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जीरा का सामने आया है, जहां एक 50 एकड़ जमीन के मालिक नौजवान की नशे की ओवरडोज के चलते मृत्यु हो जाने का समाचार सामने आया है। इस विषय में प्रेस को जानकारी देते हुए मृतक व्यक्ति के ससुर व अन्य लोगों ने बताया कि मृतक नौजवान हरमनजोत सिंह, जो कि अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए गांव मेहर सिंह वाला गया हुआ था, बीती रात जब वह अपने दोस्तों के साथ नशा कर रहा था तो नशे की ओवरडोज के चलते उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृतक के परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर उसका कत्ल कर देने का इल्जाम लगाया है। इसी के चलते मृतक के परिजनों ने गांव मेहर सिंह वाला के नेशनल हाईवे पर जाम भी लगा दिया और दोषियों के विरुद्ध कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इधर पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयानों के आधार पर 5 व्यक्तियों के विरुद्ध कत्ल का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिरोजपुर से सुखचैन सिंह की विशेष रिपोर्ट। ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਗਾਇਬ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੁਬਹਾ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ? ਉਸ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ?
गुरप्रताप सिंह वासी कसुवाना दी अज पिंड मेहर सिंह वाला विच कोई जहरीली चीज़ या नशीली चीज़ पांच दोषियों नूं देण करके मौत हो गई है। जिन्हां पांच दोषियों के खिलाफ असी 302 IPC तहत परचा दर्ज किया, जल्दी दोषियों फड़ के इन्हां दा चलान टू कोर्ट कराया जाए।